Smoking is injurious to health. It causes cancer. धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है. धूम्रपान से कर्क रोग होता है. पापा, आप फिर से किचन में? आपको बताया था ना किचन में नहीं आने के लिए. बहुरानी, अब तक चाय नहीं दिया, निलय नहीं उठा, और ये बाबू सोना कहाँ रह गया? बहुरानी, चाय देने में इतनी देर? बहुरानी, हेलो पापा, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. तुम लोग कैसे हो? हम लोग ठीक हैं. और मेरा नन्ना मुन्ना कैसा अभी है? अभी तो उसको स्कूल से लेने जा रही हूँ. हम लोग परसों सुबह के फ्लाइट से कोलकाता पहुँच रहे हैं. तो कितने दिन गुजारोगे यहाँ? अरे, आपके बेटे को तो 2 दिन की छुट्टी मिली है. आप दवाई ठीक से ले रहे हैं ना? हाँ. कल्याणी दी आ रही है ना? सब ठीक है ना? नहीं, वो नागा नहीं करती, रोज आती है.
कोई चिंता की बात नहीं, तुम लोग जल्दी से मेरे नन्हे मुन्ने को लेकर चले आओ। ठीक है पापा, फोन रखती हूँ। ठीक है, खुश रहो, बाय। पापा, आप फिर से किचन में आए हैं। बोला ना, दो दिन के लिए कंप्लीट रेस्ट। जाइए, आप गुड्डू के साथ खेलिए, जाइए जाइए। अच्छा ठीक है, तुम इतना डांटा मत करो। आप बात नहीं मानते। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली जल की रानी। खूब डर गए थे ना? हाँ। अब सुनाओ, पूरा पोयम सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बहुत दिन बाद पापा, ऐसा हुआ कि आप खुद का बनाया खाना नहीं खा रहे। हाँ, ठीक कहा। बहुरानी चाहे दो दिन के लिए ही आए, लेकिन खाना ऐसा पकाती है कि चले जाए तो मिस करता हूं। पापा, आप फिर से शराब पी रहे हैं, मैंने मना किया था ना। आपको ना ऐसे ही एक हंटर वाली बहुरानी की जरूरत थी और वो मिल गई आपको। अरे ये बहुरानी नहीं, मेरी माँ है। हाय, मैं पढ़ना हूँ। जॉय अंकल ना? यस। मैं अनिकेत की बेटी हूँ, पापा ने फोन किया था। यहाँ रह के पढ़ाई करनी है, यही ना? हाँ। प्लीज प्लीज कम इन, वेलकम। अंकल, मैं जानती हूँ आप अकेले रहते हो, पर मुझे ना बहुत भूख लगी है। कुछ है क्या खाने में? भूख लगी है? अभी अभी तो खाने को कुछ नहीं है घर में। वो रहा फ्रिज, देखती हूँ क्या है इसमें। वाह, ये तो अंडे हैं। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ पका लूंगी। एनीवे, मुझ में ना कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। बाय द वे, बाथरूम कहाँ है? अब बाथरूम इस तरफ। शुगर चलेगा? चलेगा, जितना मन चाहे। इस वक्त चाय? आपका तुम्हारा टाइमिंग सेंस काफी अच्छा है। कैसे पता चला कि मुझे अभी चाय की जरूरत है? मुझे लगा देखकर कि तुम बहुत टायर्ड हो। आई हेट टायर्डनेस। सो चार्मिंग बेबी। बेबी? शिट, आई एम नॉट बेबी, आई एम लेडी। अरे अरे, तुम तो मेरी दोस्त की बेटी हो। एंड यू ऑलवेज रिमेन अ बेबी टू मी। शिट, जब से एक लड़की का पीरियड स्टार्ट होता है और जब से उसे समझ में आता है व्हाट इज सेक्स, तब से वो लड़की लेडी हो जाती है। मैं भी। दैट इज नॉट फेयर। मैं तुम्हारे पापा की तरह हूं। पापा की तरह? पापा तो नहीं। बाय द वे, तुम काफी हॉट हो, अनसेक्सी, इस उम्र में भी डैम गुड। अच्छा, यही हुआ कि मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखला दूं।
जब से तुम आई हो गुगली पे गुगली मार रही हो। बेटर आई शो यू द रूम। तुम तो काफी अच्छी बात करते हो, जस्ट ऑसम। सो स्वीट। ए जरा कमरा दिखा दो, थोड़ा रेस्ट कर लूं। हेलो। हाँ बेटी ठीक ठाक पहुंच गई ना? हाँ हाँ एकदम परफेक्टली। हाँ सुन, वो जरा सा आजाद ख्यालों वाली बेबाक लड़की है। जरा? That's an understatement। कुछ ज्यादा ही। कुछ कहा तूने? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुन, हाँ जो खर्चा वर्चा लगेगा वो मैं दूंगा। अरे दत्त, दोस्तों में ये सब थोड़ी ना चलता है। तू ये सारी बातें मुझसे मत बोला कर। मैं थोड़ी सी पार्टी गोअर हूँ, कभी कभी पार्टी से लौटने में थोड़ी लेट हो जाती है। पार्टी करो, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अकेले रहता हूं ना, लेट नाइट में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। एक बात कहता हूं, सुनो, स्वाधीन होना अच्छी बात है लेकिन स्वेच्छाचारी होना नहीं। उफ, आप तो एकदम स्कूल के हेडमास्टर की तरह बात कर रहे हो। व्हाट इज दिस? सॉरी, मैं ना बाबा सबके पैर वैर नहीं पड़ सकती हूँ। दैट्स ओके। What is this? Is this your upbringing? What upbringing? मेरे लिए life तो ऐश, entertainment और मस्ती है। मुझे ना थोड़ा mature और aged इंसान पसंद है। What? Are you joking? Aged? So what? प्यार करने के लिए age थोड़ी देखा जाता है। Anyways, वो सब अंकल वंकल बोल के मुझे अपने इमोशन खराब नहीं करना। मतलब जॉय, मेरा जॉय, कैन यू एंजॉय? व्हाट? आर यू क्रेजी? मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ, मेरा लड़का तुमसे बड़ा है, क्या सब बक रही हो तुम? कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। तुम भी अकेले, मैं भी अकेले, हम दोनों को ही एक साथी की जरूरत है। और वैसे भी बचपन से ही एजेड मैच्योर इंसान पर मेरा एक अलग ही क्रश है। व्हाट नॉनसेंस, मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं, याद रखना। एनीवे, गुस्से में तुम और भी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लगते हो। जो मैं कह रही थी, कल मुझे निकलना होगा, लौटते रात हो जाएगी। कहां जाओगी तुम? सॉरी, मैं हर बात सबसे शेयर करना पसंद नहीं करती। तुम फिर से सिगरेट पी रहे हो? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक पफ एक पफ। नहीं 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 नहीं। उफ, कमाल करती हो तुम भी। सुनो ना, एक बात कहनी थी। कह रहा था कि पापा को अगर हमारे यहाँ लेकर आए तो कैसा हो? बहुत अच्छा होगा, पापा तो वैसे भी अकेले रहते हैं। वही सोच रहा था मैं भी। बात और कुछ नहीं, पर पापा वो मकान बेचना चाहेंगे या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ऐसे हालात में तुम अगर उन्हें राजी करा सको यहाँ आने के लिए तो वो पक्का राजी हो जाएंगे। मैं तो जरूर बोलूंगी, और मेरी बात ना माने तो गुड्डू से बुलवाऊंगी। ओ, ये हुई ना बात। लव यू।
अरे पढ़ना, कैसी कैसी हो तुम? पता है जो मैं बहुत अकेली हूँ। मैं सीरियसली तुमसे बहुत आराम से, आराम से। ऐसी ऐसी बातें नहीं करते पढ़ना, ऐसी ऐसी बातें नहीं करते। दादाजी, कैसा लगा सरप्राइज पापा? अरे आप भूत देखने जैसा चौंक क्यों गए पापा? हाँ नहीं, तुम लोग अभी